रोटी दो अक्षर के शब्द की बनी कीमत हर कोई नहीं जानता है। रोटी एक ऐसा हमारी लाइफ में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि कहा गया है कि भूखे को दे रोटी, प्यासे को दो पानी, यह है इंसानियत और इंसानियत ही हमारा धर्म है। ऐसा ही एक इंसानियत की ज़िंदगी और इंसानों की मदद करने का ज़िम्मा उठाया है रोटी बैंक के संस्थापक जी ने, बलविंदर जी ने। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने रोटी बैंक की शुरुआत कब और कैसे की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बलविंदर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने रोटी बैंक की शुरुआत कब और कैसे की। मैम, रोटी बैंक की शुरुआत सितंबर 2016 में हिसार से की गई और स्टार्टिंग में 10 से 15 लोगों के लिए खाना बनाया गया और फिर धीरे धीरे जैसे अब 3.5 से 4 साल हो चुके हैं संस्था को काम करते हुए, आज हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग है, जैसे हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, भिवानी, पानीपत और अभी चंडीगढ़ लगभग 1 साल से स्टार्ट है। और टोटल हम लोकेशन की बात करें तो लगभग 10,000 लोग पर डे निःशुल्क खाना खाते हैं। और जो रोटी बैंक की शुरुआत करने का जो मकसद है वो ये है कि जो वेस्टेज ऑफ फूड है हम उस पर अच्छे से वर्क करें, जो घरों में शादियों में खाना बच जाता है उसको हम कलेक्ट करें और जरूरतमंद लोगों को बांटें। और हर शहर में एक रोटी बैंक ने एक अपना किचन सेटअप किया हुआ है जिसमें हम 500-600 लोगों का खाना पर डे अपने किचन में बनाते हैं और बाकी हम खाना पर डे कलेक्ट करते हैं। हम जस्ट जी तो जो रोटी बैंक है, जैसे कि हर जगह आपने रोटी बैंक खोल रखा है, जब भी कुछ हम अच्छा काम करने की शुरुआत करते हैं तो कुछ हमें मतलब हमारे माइंड में कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं। तो आपके मन में भी आया होगा कि मतलब ये चीज़ हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, तो हम आप प्लीज़ एक बार हमें उन सब चीज़ों के बारे में बताइए। जैसे मैम, कहीं भी रोटी बैंक की शुरुआत होती है तो काफ़ी सारे लोग हेल्प के लिए सामने भी आते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग आते हैं क्रिटिसाइज़ के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपने इसको बिजनेस बना रखा है और रोटी बैंक की कुछ लोगों ने नकल करके अपनी रसीद बुक छपवा रखी है। हमारे रोटी बैंक ट्रस्ट से कोई भी आदमी मार्केट में नहीं जाता है चंदा एकत्रित करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे पानीपत में हैं, जींद में हैं या हिसार में हैं, रोटी बैंक के नाम से अपनी रसीद बुक छपवाते हैं और फिर लोगों को चंदे के लिए अपील करते हैं और उनको भ्रांतियों में डाल देते हैं, जिस वजह से लोगों को लगता है कि ये एक पैसे कमाने का काम है। सर, मैं मतलब ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने अभी बताया कि आपका मतलब रोटी बैंक बहुत से शहरों में है, तो मतलब कि आपको जैसे डोनेशंस हैं, कभी ऐसा होता होगा कि कभी कभी कमी भी पड़ जाती होगी डोनेशंस की, तो मतलब कौन से लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं और आप क्या क्या काम कर रहे हैं? जैसे कि अभी हमें आपने पहले भी बताया है कि आप रोटी का भी कर रहे हैं और भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा ब्रीफ में बताइए उसके बारे में। अभी चंडीगढ़ में जैसे रोटी बैंक के साथ साथ हमने मेडिसिन बैंक भी ओपन किया है, घरों में जो अनयूज्ड मेडिसिन है वो हम कलेक्ट करते हैं। और अब ये मुहिम हमने लगभग 4 महीने पहले स्टार्ट की थी चंडीगढ़ में और लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए की दवाइयां हम इकट्ठी कर भी चुके हैं और जो ज़रूरतमंद लोगों को जो फ्री OPD चलती है हम उनको वहाँ पर दे के आते हैं। तो आप लोगों को अवेयर कैसे करते हैं इसके बारे में कि हाँ हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, कैसे लोगों को अवेयर किया जाता है उससे? हम इसके लिए घर घर जाते हैं और लोगों को अवेयरनेस के लिए जैसे अपना जो अखबार है उसका सहारा लेते हैं और जो सोशल मीडिया है उसका सहारा लेते हैं। और अभी चंडीगढ़ में जैसे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, हमने 7 पॉइंट पे पानी की जो प्याऊ है वो लगाए हैं और उनको रिफिल करने के लिए ट्रैक्टर और एक टैंकर का प्रबंध भी किया गया है और वो सारा जो हमें पानी मिलता है निगम की सहायता से मिलता है और पानी बिल्कुल फिल्टर और चिल्ड पानी होता है। जैसे कि इतना सारे लोगों का खाना बनाना इट्स नॉट ईजी, तो आपको कोई जैसे जो स्पेस है वो आपके लिए प्रॉपर स्पेस है खाना खुना बनाने के लिए? अभी हमारे पास कोई प्रॉपर स्पेस नहीं है, अभी सेक्टर 31 के जो मंदिर हैं, बाबा बागनाथ मंदिर है, वहाँ पे हमें पुजारी जी ने जगह दे रखी है और हम चाह रहे हैं कि लोगों से अपील भी करना चाहते हैं कि हमें कोई किसी के पास अगर कोई स्पेस है डोनेशन के रूप में दे सकते हैं या लीज पे दे सकते हैं वो हम ले लेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी अगर किसी के पास किसी भी टाइप की ज़मीन है तो प्लीज़ रोटी बैंक को दें वो। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने सुना है कि जैसे किसी का बर्थडे होता है तो यहाँ पर एक प्रॉपर मतलब लोग आते हैं डोनेशन करते हैं, या किस हिसाब से वो प्रोग्राम किया जाता है, पहले उन्हें एडवांस में बताना पड़ता है या क्या उसका सिस्टम है? जैसे बर्थडे के लिए हम बच्चों के स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को बोल के आते हैं प्रे में के टाइम की आप रोटी बैंक में आइए, अपना बर्थडे, अपने मम्मी पापा का जन्म
अपने मम्मी पापा की सालगिरह, इस टाइप का कोई भी घर में फंक्शन है, खुशी का कोई भी मौका है, तो रोटी बैंक में आए, जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारा लगवाएं, या पैसे ना दे के आप राशन दे सकते हैं। और स्कूलों से हम रोटियां भी इकट्ठी करते हैं, जैसे बच्चे अपने टिफिन के साथ एक एक रोटियां एक्स्ट्रा लेके आते हैं जो हम डेली कलेक्ट करके लेके आते हैं। और जो आप मतलब कि खाना जैसे किसी ने डोनेशन देनी हो, जैसे कोई राशन दे रहा है, तो उसका मतलब कोई पर्टिकुलर आप लेके आते हैं या कोई मतलब उनको पहले आपसे बुकिंग करनी पड़ती है कि हाँ हम आपके पास ये लेके आ रहे हैं, आप भी जाते हैं उधर? जैसे बने हुए खाने के लिए हम अपनी फूड वैन भेज देते हैं, अगर खाना बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में है तो हम खुद लेके आते हैं। और कच्चे राशन के लिए भी हमारे पास फ़ोन आते हैं, जैसे हमारा जो नंबर है यहाँ का वो 8222990201 है, 1202 है, 1203 है, जिस पे कोई भी व्यक्ति कॉल करके बता सकते हैं कि मेरे को भंडारा लगवाना है या मेरे को कच्चा राशन देना है या मेरे को बना हुआ राशन देना है, तो हम खुद जाकर उसको कलेक्ट भी करके ले आते हैं। अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है मैम, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ मेरे को, अभी लगी हूँ कुछ। तो आप इससे पहले कोई काम करते थे? नहीं, करती तो नहीं थी, मेरी खुद की शौक है। वैसे दुकान लगाती हूँ मैं सतारा में, तो वहाँ से मेरे को पता चला था सर के स्टोर लग रहा है ना सतारा में, तो सर ने मेरे को बोला भी अगर लगना है तो मुझे बता देना। फिर मैंने सर से बात की, सर बोलते कोई नहीं 3-4 दिन में बता देंगे, फिर आपको जो पे लगा देंगे। हाँ जी, तो जैसे कि आए दिन यहाँ पर बहुत से लोग पानी आते होंगे और पानी पीते होंगे, बहुत तो लोग आपके हिसाब से मतलब कि जो पानी है हाँ तो किसी को पिलाना बोलते हैं कि बहुत पुण्य का काम होता है, हाँ जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी मैम, बहुत बहुत अच्छी सेवा है जल की, ऐसी सेवा मेरे को मिले, भगवान करे सबको मिले। मैं हरजीत सिंह सबरवाल, गुरु का लंगर आई हॉस्पिटल सेक्टर 18, जिथे रोज़ाना 1200 तो 1400 पेशेंट पूरे दुनिया तो, पूरे देश के अलग अलग कोने तो आके जिथे अपने अखों का इलाज कराते हैं, तो नाल ही उन्होंने वास्ते सवेर तो लैके शाम तक लंगर की व्यवस्था होंगी। तकरीबन 1.5 साल तो ये लंगर शुरू हुए हैं, पर असी इतने महसूस करते सी भी लंगर की व्यवस्था तो बहुत वधिया परमात्मा की कृपा नाल चल रही थी। पानी जड़ा पिलाना वो सानू शुरू तो एक बड़ी वड्डी प्रॉब्लम सी, तो जदों सानू रोटी बैंक वाले ने सानू अप्रोच किया भी असी ये सर्विसेज देना चाहते हैं, सानू बड़ा अच्छा लग्या भी देखो परमात्मा ने ड्यूटियां लाइया ने और ये जगह जगह पर जाके ठंडा शीतल जल ये सेवा करते हैं। 6 महीने तो इन्होंने अपनी इतने गड्डी खड़ी की, इन्हों का प्रॉपर स्टाफ इतने होंगे, सवेरे तकरीबन 10 बजे तो लैके 6 बजे तक ये ठंडे पानी की, जिहड़े हज़ारा बंदे रोज़ इतने आ रहे हैं उन्होंने ये छकांदे ने, उन्हां दी ब्लैसिंग्स लैंदे हैं। तो ये जिहड़ा कंसैप्ट हैगा ये साढ़े गुरु नानक साहब ने भी शुरू स्टार्ट उन्होंने किया भी आप सारे नाल उत्तम काम जिहड़ा प्यासे नूं पानी पिलाने का, तो उन्होंने जगह जगह गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब ने जगह जगह जिहड़े झरने भी तो खूह भी वो अपने समय से उन्होंने प्रगट किए सी, जिहड़े अजकल जिवें नानक चीरा पंजा साहब हैगा, गुरु नानक प्याऊ दिल्ली च है, अज भी उत्थे ठंडा शीतल जल, उसी परंपरा नूं इन्हां ने अगे वधाया, कंसैप्ट लिया, तो सानू असी दिलों इन्हां दे धन्नवादी हाँ कि बिना किसी उहदे सैल्फिश बिना किसी उहदे ते भी इत्थों असी इन्हां ने कोई गेन करना है या साडे कोल पैसे लैने, एक निस्वार्थ सेवा इन्होंने शुरू कर दी की, तो असी सारा पूरा परिवार जिहड़ा हैगा असी इन्हों का शुक्रिया करते हैं, तो नाल ही असी इन्हों ओपन ऑफर देने भी अगे भी जिते जिते इन्हों लोड़ पे साडे वालों जो भी हेल्प चाहिए होगी वी आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट दैम, असी इन्हों वास्ते अरदास भी करते हैं, सारा परिवार ब्लैसिंग्स देंगे, इस तरह होर जगह जगह पर जाके ठंडे पानी की सेवा करें। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।